टीवी ले लो, लड़कियों को स्कूटी ले लो, अनाज फ्री ले लो, राशन ले लो, तेल ले लो, साबुन ले लो, पैसे ले लो, और वो संविधान हम जैसे असंवेदनशील, लालची, क्रोधी, अहंकारी, मूर्ख, अनपढ़, अज्ञानी हिंदुस्तानियों को भी 70-72 साल से एक जगह बांधे हुए है। तो यही तो तारीफ कर रहा हूँ मैं, यही तो उनका गुणगान कर रहा हूँ कि उन्होंने एक ऐसी सी चीज़ लिखी कि जिसमें हम जैसी प्रवृत्ति के लोग भी एक जगह बंधे रहे। भाई राम और राष्ट्र के नाम पे गुजरात में मुख्यमंत्री बने थे। गुजरात ने अपने इतिहास के सबसे बीभत्स दंगे हुए, ठीक है। जब यहाँ का नंबर था दिल्ली पहुँचना था, तो आपको शायद ये नहीं मालूम कि मुजफ्फरनगर दंगे ने क्या किया है। नरेंद्र मोदी को बनारस ने पीएम बनाया है, एमपी। पीएम किसने बनाया? मुजफ्फरनगर ने। अगर मुजफ्फरनगर दंगा किसने? अखिलेश यादव ने। अरे कितनी बड़ी फोर्सेस उसके पीछे काम कर रही थी। और अखिलेश यादव, देखो मैं बताता हूँ, अनुभवहीनता भी कोई चीज होती है। बीजेपी अनुभवहीनता है, वो धूर्त है। तो अनुभवहीनता कौन है? ये जो ताकतें इनसे टकरा रही हैं किस्तों में। आपको एक बात बताऊं मैं, जब यही ताकतें हरियाणा जाती हैं तो कहती हैं हरियाणा हम तुझे गुंडागर्दी से मुक्त कर देंगे चौटाला की। जब ये बंगाल जाती हैं तो ये गुंडागर्दी से मुक्त कर देती हैं ममता बनर्जी की, वहाँ ये बात करती हैं। जब ये बिहार जाती हैं तो ये गुंडागर्दी से मुक्त करने की बात करती हैं लालू यादव की। तो इन्होंने अलग अलग, जबकि ये नेशनल गुंडे हैं। आज कभी गुजरात के तड़ीपार रहे, ये तो प्रक्रिया थी, रहे गृह मंत्री हैं। और गृह मंत्री जनता तो अपना रही ना, लोकतंत्र में तो जनता बड़ी है ना। हम राजनीति के शिकार हो रहे हैं, जनता बहुत बड़ी है। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि जिस संविधान के लिए डॉक्टर अंबेडकर जैसे पढ़े लिखे आदमी को आना पड़ा, उस संविधान में सरकार को चुने जाने की प्रक्रिया क्या हो। टीवी ले लो, लड़कियों को स्कूटी ले लो, अनाज फ्री ले लो, राशन ले लो, तेल ले लो, साबुन ले लो, पैसे ले लो, ये डेमोक्रेसी चल रही है। शराब के चलन ने, धन के चलन ने और बाहुबल ने दुनिया के सबसे बीमार लोकतंत्र को जन्म दे रखा है। कैसे फिर कर रहे होने चाहिए? चाइना जैसे? नहीं, चाइना जैसी नहीं, जैसे? नहीं, संविधान में परिवर्तन करने के बजाय संविधान जैसा है उसके हिसाब से अपनी एग्जीक्यूटिव को एक्ट करने के लिए मजबूर करो। और नेता, एक बात बताओ, गलती तो आखिर में हम वी द पीपल से ही शुरू होती है। हेमा मालिनी को कानून के बारे में क्या पता? हेमा मालिनी को किसानों के बारे में क्या पता, कृषि के बारे में क्या पता? लेकिन जब कानून बनाने का नंबर आएगा तो हेमा मालिनी का एक वोट काउंट होगा। हम लोग करोड़ों लोगों की भावनाएं नहीं करेंगे। किसानों में भी जिन्हें किसानी का कुछ नहीं पता होता, सुन लो, चौधरी अजीत सिंह आईआईटी की प्रोडक्ट थे, अमेरिका में नौकरी करते थे, लेकिन क्या किसान के बारे में नहीं जानते थे? उन्होंने खेत जताए? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, यही तो मैं आप वाली बात कर रहा हूँ। उन्होंने ट्रैक्टर चलाए थे? उन्होंने जाके गन्ना डाला था? है, वही तो हम कह रहे ना। लेकिन उन्हें एहसास तो था ना। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, राजा को सब चीज की जानकारी होनी ही चाहिए? या अकबर मानता, नवरत्न संभालता था, उन्हें कानून की तो पता थी। हेमा मालिनी को नहीं पता, यहाँ रह के नहीं पता? तो हेमा मालिनी को और फील्ड में अच्छी जानकारी है ना, कानून। अरे तो फिर कानून बनने हैं किसके ऊपर? अभी एक संशोधन किया है, उसकी जानकारी है आपको कि आईएएस ऑफिसर को राज्य से केंद्र में बुलाने के लिए क्या किया जाएगा? उन्होंने कहा एक जगह कंसेंट वर्ड है, उसे डिलीट कर देते हैं। गया गणतंत्र, जब सहमति के लिए तुमने राज्य के साथ सहमति के लिए ही रास्ता बंद कर दिया तो काय का संविधान? संविधान की सबसे बड़ी असफलता बताऊं, और सबसे बड़ी सफलता भी सुन लो, ये देश अगर आज तक टिका हुआ है तो संविधान की वजह से, नहीं तो इसका तो पहले तिया पांचा हो जाता। हमारी प्रवृत्ति इस तरीके की है। यूनियन ऑफ इंडिया क्यों लिखा डॉक्टर अम्बेडकर ने, तुम्हें जानकारी है इस बात की? यूनियन में से कोई घटक अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकता। खराबी क्या है? ये दूसरा अंबेडकर पैदा करने में फेल हो गया। चाहे वो ब्राह्मणों में हो जाता, चाहे वो शूद्रों में हो जाता, चाहे वो दलितों में हो जाता, चाहे वैश्यों में हो जाता, चाहे क्षत्रियों में हो जाता, चाहे ब्राह्मणों में हो जाता, किसी में हो जाता, चाहे मुसलमान,
एक और ऐसी व्यक्तित्व को आना चाहिए था जो इसकी निगरानी कर सकता कि तुम इसके हिसाब से चल रहे हो या नहीं, वरना तो सारे के सारे निगरानी दे दी वीजा पीपल के हाथ में। अब वीजा पीपल का हाल ये है, इन्हें संविधान तो तब समझ में आएगा, इनके साधु संत भी आसाराम और गुरमीत राम रहीम जैसे हैं, इन्हें साधु की पहचान नहीं है। भारत के लोगों को बाबा साहब ने दे दी इसकी रक्षा, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? एक आदमी तो तानाशाह भी हो सकता है, आप कहते हो कि एक ही तानाशाह हो सकता है। जैसा उन्होंने लिखा था वो अकेले लिखने वाले नहीं थे, वो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। आज की तारीख में जिस अम्बेडकर की जरूरत है वो ये देख सके मायावती जी को अपनी राजनीतिक मजबूरियों से बनना पड़ता है। आज मान्यवर जैसे व्यक्ति की जरूरत है जिसने कितने दिन मिनिस्ट्री रहे, कहाँ कहाँ शपथ ग्रहण करी, कहीं नहीं करी, क्यों, काय के लिए लड़ रहे थे, सरकार के लिए, सरकार बनाने के लिए, सत्ता पकड़ने के लिए, खुद कितने दिन कहाँ कहाँ रहे हैं। तमाम संगठन, तमाम लोग लड़ रहे हैं, वो कहीं मंत्री नहीं बने, कुछ नहीं बने, फिर भी मैं भी तो यही कह रहा हूँ, उनमें से कोई भी डॉक्टर अम्बेडकर के कद तक नहीं पहुँच पाया, पहुंच जाता ये दिक्कतें नहीं आती। तमाम लोग तो गाली भी देते हैं अम्बेडकर को, भगवान को भी देते हैं, माँ बाप को भी देते हैं, तो जिसे गाली देने की आदत पड़ी हुई वो देगा गाली, उस पे क्यों एतराज कर रहे हो, वो समझदार मान लिया जाएगा गाली से। मतलब आप लोकतंत्र का जो बहुमत है ना, जो जनादेश सरकार को मिला है, अब वो उस नौबत पे पहुंच गया जनादेश। आपको मैं बता दूं राजनीति के तहत के चंद धूर्तों ने सत्ता के ऊपर अपनी पकड़ बना ली है, वो अल्पसंख्यक हैं, वो 30% मान लो, जो 70% है वो बिखरे हुए हैं, एक जगह संगठित नहीं है, वो अपने अपने वो भी अपने अपने हितों से बंधे हुए हैं, उन्हें राष्ट्र का हित, दलित का हित, किसान का हित, नौजवान का हित, बेरोजगार का हित, गृहिणी का हित, ये नज़र नहीं आ रहे हैं। किसको नज़र आती हैं चीज़ें, सबको अपना अपना नज़र आ रहा। चौधरी चरण सिंह ने खुद भी खेती नहीं करी थी, उन्हें किसान की समझ में आती थी, तो उन्होंने अपनी पार्टी का किसी और को क्यों नहीं सौंपी, क्यों ही परिवार में चल रही है उनकी, उन्होंने मना किया था, वो कहते थे अपनी सभाओं में भी कह देते थे कि मेरा बेटा अमेरिका में इंजीनियरिंग करता है, तो फिर क्यों, तो वो उन्हें अपना फिर उन्हें सौंपी चीजें। मैं उन्हें गैर राजनीतिक मानता था, हूँ, रहूँगा, लेकिन उनके अंदर एक बहुत अच्छी खूबी थी जो आज की राजनीति में बहुत कम है, वो है जेंटलमैन पॉलिटिशियन, वो एक सज्जन आदमी थे, वो दिल में किसी के प्रति विचारों से समझौता भी करते रहे, वो कोई राग द्वेष नहीं पालते थे, और चाहे उन्होंने जिसे मतलब परस्ती कहा जाए, जिसे दल बदलना कहा जाए, चाहे जिसे सरकार में आने के लिए गठबंधन बदलना कहा जाए, वो गए कहीं भी, चाहे किसी भी सरकार में रहे, लेकिन किसान के लिए कुछ ना कुछ करते रहे। तो ऐसे सारे नेता कहते हैं, जैसे कार्य कर, कहने और करने में भी कह रहे हैं, मैं कहने और कर रहा हूं, कहने और करने में अंतर होता है, कहने और करने में अंतर होता है। अगर यही संकट नहीं होता तो भारत इतना परेशान नहीं होता। पूछो कैसे, मोदी जी के कहने और करने में ही तो अंतर है मेरे दोस्त। सब नेताओं के कहने करने में अंतर है। जो आज जयंत जिस पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं उनके बाबा उन्हें गुंडा बताते थे। कौन? अजीत सिंह जी कहते थे जिस गाड़ी पे समझो लाल झंडा समझो उसमें गुंडा, उनके बयान है। जो जुमला था यार, जैसे 15 लाख का जुमला था, हाँ। ये जुमले होते हैं, जैसे 15 लाख वाला बता दिया था ना बाद में, कहीं किसी सभा में कहा होगा, कहीं कोई लोकल होगा ऐसा जिसने कुछ गुंडागर्दी सी दिखाई होगी, हाँ भाई जिस पे लाल झंडा होगा उसमें गुंडा, ठीक, लोगों की भी समझ में आ गई, ये ऐसा थोड़ी है। कोई बयान का कोई मर्यादा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मर्यादा इनके कर्मों की है। देखो जैसे चीनी मिलों का एरिया घटा के चीनी मिल, नेताओं का कोई भी वो नहीं है सर। नहीं हमारे ही कब है, अरे हम कितने महान है उसका कभी सोचा तुमने? जब इतने लाखों लोग जा रहे थे तो कितने की मदद कर पाए हम, हमें कितने के दर्द का एहसास हुआ। दिल्ली में मकान के मकान, कॉलोनी की कॉलोनी दिखा दूंगा, कैश की जरूरत थी पलायन के वक्त पे, मकान मालिक ने टीवी रखवा लिया, फ्रिज रखवा लिया, स्कूटर रखवा लिया, मोटरसाइकिल रखवा ली, तो सब है ना इस तरीके के लोग। हम हैं ही ऐसे ना, यही तो मैं इतने तो नेताओं को क्यों गालियां देते हैं। वी द पीपल में ही तो कह रहा था, कहाँ से शुरू होता भारत का संविधान, वी द पीपल, और वो संविधान हम जैसे असंवेदनशील, लालची, क्रोधी, अहंकारी, मूर्ख, अनपढ़, अज्ञानी हिंदुस्तानियों को भी 70-72 साल से एक जगह बांधे हुए है। तो यही तो तारीफ कर रहा हूँ मैं, यही तो उनका गुणगान कर रहा हूँ कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ लिखी कि जिसमें हम जैसी प्रवृत्ति के लोग भी एक जगह बंधे रहे। भाई